विकासखंड ठियोग के पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह काल्टा ने मतिया नाम मोहारी छैला सड़क के निर्माण के टेंडर को लेकर विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने नियमों को दरकिनार कर टेंडर अवार्ड किया है, जो पूरी तरह से गलत है। महेंद्र सिंह काल्टा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया में दो लोगों ने भाग लिया। 26 किलोमीटर की इस सड़क का टेंडर 23,36,00,000 का था। उन्होंने कहा कि विभाग से मेल के द्वारा टेंडर की जानकारी लेनी चाहिए, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला है। आचार संहिता के तुरंत पहले टेंडर अवार्ड किया गया। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठियोग ब्लॉक से महुरी वार्ड नंबर 1 महेंद्र काल्टा, मतियाना महुरी करके एक रोड है, छैला मतियाना महुरी छैला करके रोड है। उस रोड का पिछले 16 फरवरी को टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, जो कि रोड तकरीबन 26 किलोमीटर है। इसका टेंडर 23,36,00,000 का था, जिसमें 5 साल का मेंटेनेंस भी शामिल है। इसमें टेंडर में दो लोगों ने भाग लिया। जिन लोगों ने भाग लिया उसमें जो भी प्रतिभागी थे, उसको एक को ओपी मेहता करके जो है उनको टेंडर अवार्ड कर दिया गया। और जो टेंडर की प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो प्रक्रिया रहती है, उसमें जो टेंडर मिनिमम वर्क जो होता है, सिमिलर नेचर में जो मिनिमम वर्क होता है, उसमें उसका एक मिनिमम अमाउंट होता है, जो अमाउंट 7,27,024,00,000 है की शर्त की थी। जो ओपी मेहता को, जिनको ये टेंडर दिया गया, वो उसको पूरी नहीं करते हैं, उसमें वो क्वालिफाई नहीं है। फिर भी सरकार ने, विभाग ने उस टेंडर को अवार्ड कर दिया। विभाग ने इस टेंडर को, इसके नियम जो है, कानून है, हम आपके सामने तथ्य के साथ हैं, जो नियम कानून है इसके, पीडब्ल्यूडी विभाग के नियमों के हिसाब से उसको ताक पे रख करके ये टेंडर जो है अवार्ड किया गया। इसको सबसे बड़ी कमी जो है इस टेंडर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी कमी है कि जो टेंडर जिसको अवार्ड हुआ, उस व्यक्ति की जो आपका टेंडर का जो वर्क डन होता है, उसका जो अमाउंट है वो उसको पूरा करते ही नहीं है। और जो उसमें उन्होंने अपना कॉपी लगाई है कि मेरा ये मैं इसको पार करता हूँ, इतना मेरा वर्क डन है मेरे पास, वो किसी प्राइवेट कंपनी का है। वो प्राइवेट कंपनी ने, जो प्राइवेट कंपनी है उसका वो वर्क डन लगा रही। जिस व्यक्ति ने टेंडर लिया उसके पास इस टेंडर को लेने के लिए वर्क डन है ही नहीं, फिर भी उस व्यक्ति को सरकार ने, विभाग ने टेंडर दिया, अवार्ड कर दिया, जबकि ये नियमों के विरुद्ध है। जबकि जो व्यक्ति टेंडर लेता है उसी व्यक्ति के नाम का वर्क डन होता है। अगर उस व्यक्ति का, उसने कोई कंपनी भी बना रखी है, उन्होंने एक कंपनी बना रखी है कैलाश फेडरेशन के नाम से, शायद कैलाश फेडरेशन के नाम से है, तो उसको भी वो किन्नर कैलाश के नाम से, उसको भी वो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो नियम है, कानून है, उसमें लिखा जाता है कि जो व्यक्ति टेंडर ले रहा है उसी व्यक्ति का वर्क डन होना चाहिए। फिर भी उसको टेंडर दिया गया। उसके बाद विभाग में हमने, फिर हमें जब मालूम हुआ, मैं उसी क्षेत्र से, उसी वार्ड से हूँ जहाँ से ये रोड जा रहा है, हमारे किसानों, बागवानों को आप लोग सब जानते हैं, पूरे प्रदेशवासी जानते हैं, हमारा क्या रहता है कि हम लोग तब जागते हैं जब काम हो जाता है, उसके बाद हम उन लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं कि काम सही नहीं हुआ। इसलिए हम अपने क्षेत्र के, अपने लोगों की चिंता करते हुए, उन लोगों ने, जिन लोगों ने आज हमें इस काबिल बनाया, मुझे BDC का दायित्व तो दिया, तो उन लोगों के लिए लड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम इसके नज़र रखे हुए थे कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है, इसलिए हमने इस पर सारा फोकस था कि हमारा जो काम हो ठीक व्यक्ति को काम जाए, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को ठीक से काम भी करे। उस पर भी इन्होंने अपना, सरकार ने, विभाग ने
उस पर भी इस नियमों को कानूनों को ताक पर रखकर ये टेंडर अवार्ड किया है। मेरा तो सिर्फ इतना सरकार से, मंत्री से, विभाग से आग्रह है कि अपने क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र में इस रोड का काम हो रहा है, वो सही व्यक्ति को सही कागजों के साथ दिया जाए। ऐसा ना हो कि कल को हम तो इस बात को बहुत बड़े स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे, हम आज मीडिया के माध्यम से, और कल को हम इस पर धरने प्रदर्शन भी करेंगे अगर सरकार इस तरह का रवैया अपनाती है, इस तरह की जोर जबरदस्ती करती है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।